अब बताइए ना, सरप्राइज है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? अगर बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा। वो मुझे पता है, मेरा मतलब है हिंट हिंट तो दे सकते हैं। हाँ हिंट तो दे ही सकता हूँ। अरे ये तनु का फोन है, जरा पूछो क्या हुआ। मैं नहीं कर सकती। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूछो क्या बात है। मैं नहीं बात कर सकती, आप गाड़ी रोक के बात करो। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। Who's the boss? फोन उठाओ, टॉक टू। हेलो हेलो, अभी नहीं, मैं बोल मतलब मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? तुम सेक्रेटरी हो तो कुछ भी करोगी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। व्हाट ड्यूटी? हाँ अगर मैंने फोन किया तो कोई पर्सनल बात करने के लिए फोन किया होगा ना, तो तुमने फोन क्यों उठाया? सेक्रेटरी हो सेक्रेटरी बन के रहो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। सर गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मुझे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम अभी के कितना करीब हो। जस्ट बिकॉज़ वो तुम्हें पालघर से वापस लेके आए डजंट मीन कि वो तुमसे शादी कर लेगा। तुम एक सेक्रेटरी और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। He's mine, वो सिर्फ मेरा है। और तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, अभी का सब कुछ मेरा है। तो तुम ये जो सपने देख रही हो ना कि इस घर में सेक्रेटरी बन के आई हो और मालकिन बन जाओगे, तो ये सपने देखना बंद कर दो। अभी का सब कुछ मेरा है। उसकी ये प्रॉपर्टी, उसका लोनावला का बंगलो, उसके सारे शेयर्स, एवरीथिंग एवरीथिंग इज माइन। तुम जो इससे कुछ घटिया सोच रही हो ना, वो सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से। मैं तो समझ गई, अब आप सर से ही पूछ लीजिए कि वो समझे या नहीं। क्योंकि फोन लाउड स्पीकर पे था। क्या? I'm sorry अभी। I'm really sorry। वो क्या है कि मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। और जब फोन लगा तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने फोन उठाया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। I'm really sorry। तनु तुम मुझसे गुस्सा थी, ये क्या तरीका है निकिता से बात करने का? आई नो, और इसीलिए मैंने माफी भी मांगी। तनु मैं तुमसे बाद में बात करता। क्या यार, एक और गलती हो गई। इस प्रज्ञा ने जानबूझ के मोबाइल स्पीकर पे डाला था ताकि अभी मुझ पे गुस्सा हो जाए और उसे मौका मिल जाए उसके पास जाने का। तनु के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ पर मुझे बुरा लगा ना, ये क्या तरीका है बात करने? और कोई तुमसे ऐसे बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या जरूरत है ये सब बोलने की? सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आता कि तनु चाहती क्या। आप इस सब की टेंशन इस वक्त मत लीजिए ना। सारा मूड खराब कर दिया उसने। मूड खराब क्या, अभी तो दिन की शुरुआत है। ऐसा करते हैं, हम घर चलते और दो दिन का जो पेंडिंग काम है वो खत्म कर लेते हैं। सरप्राइज वगैरह होता रहेगा। काम नहीं, अभी सरप्राइज है तो उसे खत्म कर लेंगे। देखिए ना, आपका सरप्राइज कहीं भागे जा रहा है ना, मैं इसलिए घर चलते हैं और पेंडिंग काम खत्म कर लेते हैं। कहीं कोई प्रोड्यूसर नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना तो सरप्राइज की जगह शॉक मिलेगा आपको। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई। और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू? हाउ डेयर यू? और नहीं। माई माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है।
मैं इतनी बुरी हूँ सत्य? तेरी शादी में इच्छा से